नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अक्खे मूंग का डोसा कैसे बनाते हैं। ये डोसा बहुत हेल्दी है और बहुत जल्दी बहुत झटपट बनता है। ये डोसा बहुत हेल्दी है और बहुत झटपट बनके रेडी हो जाता है और ये हम टिफ़िन में भी दे सकते हैं और ये नाश्ते में बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत हेल्दी डाइट फूड है। अगर आप वेट लॉस के लिए डाइट ले रहे हो तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। आइए उसके लिए मूंग डोसे के लिए हम सामान देखते हैं। उसके लिए लगेगा स्प्राउट मूंग, मैंने यहाँ एक बाउल लिए हैं। फिर लगेगा नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से हरी मिर्च, फिर जीरा और धनिया पाउडर। बस इतना ही सामान भी हम ये मूंग डोसा बनाएंगे। ये सब सामान हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। ये मैंने मिक्सी में पीस लिया है, इसको ऐसे इस तरह से मैंने पीस लिया है। अब इसको हम तवे पे डालेंगे। तवे पे मैंने घी रखा है, घी डाल के रखा है गरम करने के लिए। घी, तेल, बटर जो आपको पसंद है वो डालो। फिर हम उस पर डालेंगे ये बैटर। ये मैंने डाल दिया है, अब इसको थोड़ा ढक के 5 मिनट पकने देंगे। ये सिर्फ 5 मिनट में ये निकल आता है और अच्छे से पीछे से देखो अच्छे से पक गया है। अब इसको पलट के सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको तवे पे सेकेंगे। चाहो तो ढक सकते हो या ना नहीं ढकेंगे तो भी चलेगा। पाँच मिनट हो गया, अभी इसको हम पलटते हैं। देखो ये पूरी तरह से अच्छे से सेक गया। विदिन 5 या 7 मिनट में ये मूंग डोसा हमारा रेडी हो जाता है। इसको हम निकालते हैं प्लेट में। और ये हो गया हमारा बनके मूंग डोसा। ये हो गया हमारा मूंग डोसा। इसको हम ग्रीन चटनी सॉस या रेड चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये हो गया हमारा मूंग डोसा। इसको हम ग्रीन चटनी सॉस या रेड चटनी के साथ भी खा सकते हैं।